अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाएं पीएमवाईटी कोड और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट। पीएमवाईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, तो ध्यान रखिए पीएमवाईटी कोड लगाना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे टीचर्स के लिए रिलीज की गई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है त्रिपुरा की तरफ से। 300 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है। तो चलिए एक बार इसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा की तरफ से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। क्लास 11th और 12th के टीचर्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। इसके लिए आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो 12 मई से लेकर के आप लोग 20 मई तक ही इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे यहाँ पे के वैकेंसीज की। तो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी एक बार देख लेते हैं। सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी के अंदर यहाँ पे, साइकोलॉजी के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। एंड 75-75 यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी रिलीज की गई है हर सब्जेक्ट के लिए। तो इन टोटल यहाँ पे 300 वैकेंसीज रिलीज की गई है। आगे देख लेते हैं, एक बात करेंगे इसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशंस की। तो यहाँ पे आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट की हो, एंड साथ में आपके यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड के अंदर, और बीएड भी आपने यहाँ पे एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ही कम्प्लीट किया होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके अलावा भी यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया गिवन है, आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब बात करेंगे गाइस यहाँ पे एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे आपसे मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स बताई गई है, एंड यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी गिवन है। और ये मैक्सिमम एज लिमिट का ये जो क्राइटेरिया है, ये आपका फुलफिल होना चाहिए यहाँ पे 2 मई 2022 को। अब बात करेंगे आपकी सैलरी की। तो जो आपकी सैलरी रहेगी वो 26,000 रुपीज यहाँ पे रहने वाली है, और इसके साथ यहाँ पे 75% ऑफ बेसिक पे लेवल 4 त्रिपुरा के अकॉर्डिंग आपकी ये सैलरी यहाँ पे रहेगी। आगे देख लेते हैं गाइस, बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 20 मई तक ही आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस पेमेंट की बात करेंगे तो फीस पेमेंट आप लोग यहाँ पे 24 तारीख तक कर सकते हैं, 24 मई तक। आगे गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो फीस की बात करेंगे, तो यूआर कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपए फीस पेमेंट रहेगी, एससी एसटी पीएच कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 200 रुपए फीस पेमेंट रहेगी, एंड बाकी सारे जितने भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनको 300 रुपीज फीस पेमेंट यहाँ पे करना होगा। अप्लाई कहाँ से करेंगे? तो ये वेबसाइट गिवन है www.trb.tripura.gov.in, इस पे जाकर के आप लोग अप्लाई करेंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एंड एलिजिबल हैं। तो होप सो गाइस सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमआईटी कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस पीएमआईटी कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के पर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, एफकैट, सीपीएस, स्टेट पीएससी, यूजीसी, नेट, आईआईटी, जेईई नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग पीएमआईटी कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।